हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में प्लेन से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे एग्ज़ाम में थिंक करना है, उसके क्वेश्चन को कैसे एक मिनट के अंदर में सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लेन की इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डेट इज़ सम कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अगर सपोज करो डी नहीं है, सिर्फ ए एक्स बी वाई सी जेड है, तो डैट मीन्स ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास हो रहा होगा, दैट मीन्स 0,0,0 से पास हो रहा है, डेफिनेटली 0,0,0 सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। और अगर सम कांस्टेंट है तो वो फिर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। या फिर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है a टाइम्स ऑफ x माइनस एक्स वन, बी टाइम्स ऑफ y माइनस वाई वन, सी टाइम्स ऑफ z माइनस जेड वन इजकल टू जीरो, तो ये भी एक प्लेन की इक्वेशन है और जो पास कर रही है फ्रॉम एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट से। तो यहाँ पे जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहला नंबर में, वो ये है कि ये जो आगे के कॉफिशेंट हैं एक्स वाई जेड के, ये क्या हैं, ये डायरेक्शन रेशियो हैं। और कैसे डायरेक्शन रेशियो हैं, नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू प्लेन। जैसे ये बोर्ड का प्लेन अगर एक प्लेन है तो ये जो आगे के नंबर है ए बी सी वो कैसे होंगे, ऐसे बोर्ड के प्लेन के एकदम परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन रेशियो को बता रहा है, राइट। जैसे भी प्लेन होगी उसके नॉर्मल या परपेंडिकुलर ये वेक्टर होंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, एकदम प्रॉपर फीलिंग होनी चाहिए। पॉइंट नंबर टू, डैट इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लाइन में भी पढ़ते हो, राइट, स्ट्रेट लाइन में, कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आपको लिखना हो प्लेन की इक्वेशन, तो एक्स बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वेयर ए बी सी जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को प्लेन कहाँ पर कट कर रही है, किस डिस्टेंस पर, वो बता रहा है। पॉइंट नंबर थ्री, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस प्लेन से निकालना हो, जैसे ये पॉइंट है, राइट, और इसका डिस्टेंस इस प्लेन से निकालना हो, डैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वेरी सिंपल क्या करना है, उस पॉइंट को प्लेन में पुट कर देना है, डैट मीन्स एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट आपको रख देना है, और वही चीज़ हमने किया, राइट। और इसका मॉड ले लेना है क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे उसका स्क्वायर लेना है, राइट। तो ये स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा कर दो, प्लेन में भी बिल्कुल ये चीज़ें सेम है, ये चीज़ें सेम है, कोई नया चीज़ नहीं है। अगर दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, दो पैरेलल प्लेन अगर हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना हो, तो वेरी सिंपल, दोनों में जो कॉन्स्टेंट टर्म होंगे उनका डिफरेंस, अगेन उसका मॉड ले लेंगे आप, राइट, तो बेटर रहेगा क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव होना चाहिए, रूट अंडर ऑफ अगेन एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट का स्क्वायर। ध्यान रहे कि दोनों प्लेन का एक्स वाई जेड कॉफिशेंट आपको सेम बना लेना है, राइट। पॉइंट नंबर फाइव, कि अगर दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तो डैट्स वेरी सिंपल, जो उनके नॉर्मल होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू एन वन डॉट एन टू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड एन वन मैग्नीट्यूड एन टू, तो ये एंगल बिटवीन प्लेन्स हो जाएंगे। पॉइंट नंबर सिक्स, कि अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जाने वाला एक प्लेन की इक्वेशन बताना हो, ध्यान दें कि एक प्लेन P1 है और एक प्लेन P2 है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाले प्लेन की इक्वेशन P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू जीरो ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो अननोन है इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, लाइक इस पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, या इसके परपेंडिकुलर है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा कुछ भी दे देगा तो वहाँ से हम निकाल लेंगे, राइट। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। पॉइंट नंबर सेवन, वैक्टर फॉर्म में भी प्लेन की इक्वेशन हो सकती है, डैट इज नथिंग बट आर जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई जेड आप ले सकते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, डॉट एन वही नॉर्मल टू द प्लेन जो है उनसे डॉट ले लेंगे इज इक्वल टू ए डॉट एन, राइट, और ए डॉट एन एक नंबर आएगा इसलिए आर डॉट एन इजक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, जहाँ डी आपको क्या बताएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। या फिर इसी को अगर इस इधर ले आएँ तो r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू जीरो, तो ये सब वेक्टर फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन है, तो कभी कभी ऐसे भी देख करके आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको क्लियर होना चाहिए जहाँ पे r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, n नॉर्मल टू द प्लेन वही नॉर्मल वेक्टर है, और a जिस पॉइंट से वो प्लेन पास हो रही है, राइट। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड लास्टली पॉइंट नंबर एट, कि अगर तीन पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखना है तो किसी एक पॉइंट को आप ले लो, जैसे पॉइंट ए ले लिया, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स में से माइनस कर दो, वाई में से और जेड में से, फिर वेक्टर ए बी निकाल लो, राइट, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन और वेक्टर ए सी, क्योंकि इन दोनों का जब मैं क्रॉस करूँगा तो एक नॉर्मल आएगा जो परपेंडिकुलर टू प्लेन होंगी, तो ये दोनों चीज़ वही दे रहा है और फिर ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी है।
तो ये 8 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे एग्ज़ाम में प्रॉब्लम को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन द प्लेन आपको गिवन है इज ए बी सी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, बहुत ईजी है ये। अगर इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है इस प्लेन में, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम समझाने की कोशिश किया, ये पॉइंट है और इसका मिरर इमेज ये आर हो जाएगा, राइट। तो इस प्लेन में निकालना है, तो ध्यान से देखो, ये जो आगे के नंबर हैं एक्स वाई जेड के, राइट, दीज थ्री, ये क्या बता रहे हैं, एक वेक्टर जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, राइट। और ये पॉइंट मालूम है, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूँ पी क्यू या क्यू आर की? ये आपको पहले लेक्चर में बता रखा हूँ, कभी भी इस लाइन पे कोई भी पॉइंट मुझे एज्यूम करना हो तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, जो प्लेन का नॉर्मल होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देना लेमडा, राइट। तो क्या हो जाएगा, 1 into लेमडा, लेमडा अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है इस लाइन पे कहीं पे भी, राइट, तो लेमडा प्लस इस पॉइंट को ऐड कर देना है, तो लेमडा प्लस 2। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, ध्यान रहे यहाँ पे माइनस 1 है, तो माइनस लेमडा 1 into लेमडा, और पॉइंट कौन सा है 4, तो प्लस 4। और जेड वन पॉइंट अगर निकालना हो तो 2 into लेमडा और माइनस 1। ये पहले लेक्चर में आपको मैं बता रखा हूँ। ये मेरे को पॉइंट आ गया है इस पी क्यू आर लाइन पे कहीं पे भी। अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये पॉइंट क्यू है, तो डैट मीन्स ये पॉइंट प्लेन में भी लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, प्लेन में पुट कर दूँगा, तो एक्स की जगह ये चीज़ आ जाएंगी और 1 into में रह जाएगा, राइट। तो 1 into लेमडा प्लस 2, तो इंटू 1 करेंगे आगे का नंबर, तो वही रह जाएगा, इसको इंटू माइनस 1 करना पड़ेगा और इसको इंटू 2, यहीं पे समझो, राइट। इसलिए कंसेप्ट को लिख दिया है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो नॉर्मल को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर पॉइंट को ऐड कर देना है, देन पुट इन द प्लेन, फाइंड लेमडा, तो वही चीज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2, यहाँ से माइनस माइनस, ये प्लस लेमडा हो जाएगा, माइनस 4, राइट, और ये प्लस 4 लेमडा माइनस 2, और ऑलरेडी एक माइनस 2 है, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा आएगा, ध्यान से देखो, 1, 2 और 4, डैट इज 6 लेमडा, यहाँ से देख लो माइनस 4 है ये, और ये प्लस 2, माइनस 2 गया तो ये उधर जाएगा, तो 6, तो लेमडा कितना आ जाएगा, 1। लेमडा 1 आते ही यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरा एक पॉइंट जो Q का कोऑर्डिनेट है वो X कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 पुट कर देंगे, तो ध्यान से देखो 1 plus 2, डैट इज 3। यहाँ पे लेमडा 1 पुट कर देंगे तो माइनस 1 plus 4, तो डैट इज अगेन 3, और यहाँ पे 2 minus 1, तो डैट इज 1। ये मेरा पॉइंट Q आ गया। ध्यान दो तो Q क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, PR का, तो P मालूम है, मिड पॉइंट Q मालूम चल गया, तो R निकाल सकता हूँ मिड पॉइंट थ्योरम से, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 2 बाई 2 शुड बी इक्वल टू, डैट इज 3। तो a यहाँ से कितना गया देख लो, 6 minus 2, डैट इज 4। वैसे ही अगर मैं निकालूँ तो b प्लस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 3, राइट, तो b यहाँ से कितना हो गया, 2। और वैसे ही अगर मैं निकालूँ तो c माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से c कितना गया, ध्यान से देखो, 2 under 2, उधर जाएगा तो वो 3। तो मुझे निकालना था a प्लस बी प्लस सी, तो a 4, 2, 6 और 3, तो डैट इज 9, योर ऑप्शन विल बी डी। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसमें सारे चीज़ कवर कर लिया है। कभी भी किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना वो निकल जाएगा, या फिर वो पॉइंट का जो परपेंडिकुलर पॉइंट है, ध्यान दें तो ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, राइट। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है जो समझाया, डायरेक्ट आपको क्या करना है, नॉर्मल में लेमडा को मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट ऐड कर देना है, और फिर इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट कर करके लेमडा निकाल लेना है, पॉइंट क्यू आ जाएगा, फिर उसका जो पूछा जाए आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में अ वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये प्लेन आपको गिवन है और ये प्लेन गिवन है। तो ध्यान से समझो पहले पॉइंट कि जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक लाइन क्रिएट करेंगी, राइट, इन्फिनाइट पॉइंट का एक लाइन आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे ध्यान से समझो कि ये है, तो एक प्लेन ये आपका और एक प्लेन ये, राइट, देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ध्यान से देखिए ये एक लाइन क्रिएट हुआ। अगर पीछे से देखा तो ये एक लाइन है, आगे से देखोगे तो ये वाला एक लाइन, जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक लाइन क्रिएट होगा। अब ध्यान से देखो ये जो लाइन है आपका, जो मार्कर से मैं दिखा रहा हूँ, राइट, ये लाइन है, इसका आपको वैक्टर बताना है। तो क्या जो इस प्लेन के
परपेंडिकुलर नॉर्मल होंगे, राइट, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे और इस प्लेन के, तो क्या वो इस लाइन या इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? यस, डैट मीन्स नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इससे भी जीरो होना चाहिए, नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट इससे भी जीरो होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, दोनों नॉर्मल का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यही लाइन आ जाएगी। तो ये पॉइंट को समझना है कि वेक्टर पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, तो वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे। ये सब पॉइंट को बेटा लिख लेना, कभी भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्शन लाइन वाला जो वेक्टर होगा वो ऑलवेज नॉर्मल, जो दोनों प्लेन का नॉर्मल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। डैट मीन्स उसका इससे भी डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए और इससे भी। तो ऑप्शन सेटिस्फाई करो। देखो यहाँ से अगर मैं पहले वाले को चेक कर रहा हूँ तो -6 -7 +13 जीरो हो रहा है, यस। इस वाले से चेक करो, -2 +28 -26 इज इक्वल टू जीरो, यस हो रहा है। डैट मीन्स ऑप्शन ए ही हो जाएगा। डैट मीन्स यही वो वेक्टर है जो ये डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे, या फिर दोनों का नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट से भी ला सकते थे। ध्यान दो, आप ऐसे करके भी ला सकते थे, 3 -1 1 राइट, 1 -4 -2 ijk, और इनका आप डिटरमिनेंट ले लेते। तो ये कन्वेंशनल मेथड हुआ। एग्जाम में आपको कैसे करना है, तो बस अगर ये आप थिंक कर लिए, ये फील कर लिए कि वो जो वेक्टर है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट्स आप चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो ध्यान से सोचो कि एक तो पहली चीज़ कि प्लेन की जो इक्वेशन बतानी है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो पहले इस पॉइंट को सेटिस्फाई करके देखो। तो ऑप्शन ए को अगर चेक करोगे तो ध्यान से देखो, 6 -+7 हो जाएगा, राइट, इधर -8 -5, तो 13 इज इक्वल टू जीरो, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा एक और पॉइंट सोचो, एक और आपको चेक करना है कि वो जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। डैट मीन्स ध्यान से सोचना, इस पॉइंट को लिख भी लेना, जब भी कोई प्लेन दो प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका जो ये नॉर्मल है, राइट, और उस प्लेन का, वो डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे। वैसे ही इस प्लेन का नॉर्मल और वो प्लेन जो परपेंडिकुलर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर ये प्लेन है तो ध्यान से देखो, मैं चेक करके बता रहा हूँ आपको, 6 × 1 6 -7 × 2 -14 -4 × 2 +8, तो ध्यान से देखो जीरो हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। वैसे ही इसी का उससे भी चेक करो, 6 × 3 = 18 -7 -2 -14 -4 + 1 -4 जीरो हो रहा है, यस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। ऐसे आपको करना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है कि पूरा प्रॉपर इक्वेशन बनाए फिर सॉल्व करें, राइट। तो ध्यान से देखो और इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में एक प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइंस जिसका डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन था और कंटेन्स दिस पॉइंट इफ इट्स कर्व्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए बी सी, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बताना है। तो ध्यान से समझो पहले कि अगर डायरेक्शन रेशियो आपको गिवन है, डैट मीन्स आपका ये प्लेन है सपोज करो और ये दो लाइन के वो पैरेलल हैं, तो इन दोनों से क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, डैट मीन्स नॉर्मल का हमें आ जाएगा इक्वेशन, तो राइट। तो क्विकली आप क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखो, ijk पहला था 20 -2 -2 20, राइट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो i का कितना हो जाएगा, 0, और ये माइनस ऑफ माइनस +4, तो 4i, राइट, ये माइनस j रहेगा आपका, और ये गया और ये गया, तो ये 0 हो गया, ये माइनस और ये माइनस, तो प्लस j इंटू 4 मतलब 4j हो जाएगा। और अगर k का निकालेंगे तो ध्यान से देखो, k का अगर निकालोगे तो 2 to the 4, तो ये भी 4k हो जाएंगे। तो आपको जो नॉर्मल टू प्लेन है उसका आ गया है 4 4 4, ये है, डैट इज 111 भी ले सकते हैं आप सिंप्लीफिकेशन के लिए। एनी हाउ, अब ये प्लेन एक पॉइंट से पास हो रहा था वो भी गिवन है, तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 4 × x - x1 + 4 × y - y1 + 4 × z - z1 = 0, तो ध्यान से देखो 4 4 कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला था। तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x + y + z - 6 = 0, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब क्या कह रहा है कि ये प्लेन कहाँ पे कट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ए बी सी पे। तो अगर x एक्सिस की बात करेंगे तो y z 0, तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, 6, 0, 0, राइट,
पॉइंट बी क्या हो जाएगा 060, राइट। पॉइंट सी क्या हो जाएगा 006। तो आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी बताना है, डेट मीन्स ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ए का डिस्टेंस वही हो जाएगा, ओ ए वेक्टर आपका वही हो जाएगा, ओ बी भी मालूम हो गया और ओ सी भी मालूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 ऑफ वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी का डॉट प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये 666, तो कितना हो जाएगा 6 × 6 × 6/6, डैट इज 36। योर ऑप्शन विल बी सी, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन द प्लेन आपको बताना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो ये प्लेन है, राइट, आपका ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है और इन दोनों को ज्वाइन करने वाले, इसका आपको लेंथ बताना है प्रोजेक्शन का, राइट। तो ये होगा और ये इस टाइप से होंगे। तो डैट मीन्स आपको अगर ये लेंथ जो भी होंगी पॉइंट ए और बी, तो आपको जो बताना है वो ए बी मैग्नीट्यूड और अगर ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, ये वैल्यू अपने को बताना है इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन प्लेन में बताना, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो जो अपना नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, राइट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, राइट। ये बात समझ गए आप? तो ध्यान से देखो, ये वेक्टर आपको मालूम है कैसे, नॉर्मल से 1 1 1 से, और ये वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ, राइट। डैट मीन्स ये वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा से। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ध्यान देना है कि कॉस 90 माइनस थीटा एंगल जो आपका वो इनके बीच है, राइट। तो कॉस थीटा लगाए लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा मैग्नीट्यूड इसका, तो वो तो हो जाएगा, राइट। ए डॉट बी करना अपने को, तो वेक्टर आई जे और के और इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। ध्यान से देखें, पॉइंट अगर ये तो 4 − 5 या इधर से इधर ले लो तो भी चलेगा, 5 − 4 तो ये आई हो गया, -1 और माइनस ऑफ -1 तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। तो 0j और 4 − 3 तो क्या हो जाएगा प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो ये इसका मैग्नीट्यूड √3 और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 1 √2। तो यहाँ से i डॉट i 1 हो जाएगा, j इंटू 0 0 हो गया, k डॉट k तो ये 1 हो गया बाई √6 तो ये 2 √6 आ गया। ध्यान दीजिए, cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या आ गया आपको, साइन थीटा। अपने को चाहिए वो ए बी कॉस थीटा, ए बी का मैग्नीट्यूड तो मिल चुका है, डैट इज कितना है √2 कॉस थीटा। साइन थीटा मालूम है तो कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये क्या हो गया पी बाई एच। अपने को क्या चाहिए, कॉस थीटा बोले तो बी बाई एच, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। कैसे हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा √√h² − p² तो एच स्क्वायर ध्यान से देखो तो √6 का 6 हो जाएगा और पी 4, राइट। तो कितना हो जाएगा ये √2। तो ध्यान से देखो, तो अपने आप को लिखना है cos थीटा डैट इज √2b/h अपना कितना है √6। तो ध्यान से देखो ये क्या हो गया 2 √2 × √3 भी लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा √2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3 √ डैट इज ऑप्शन डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। तो अभी आपको बताया था कि किसी भी प्लेन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, तो इस पॉइंट को अभी यहाँ पे ओरिजिन है तो 0, 0, 0 हो गया। अदर कोई पॉइंट होता सेम कंसेप्ट होता, इसलिए कंसेप्ट पे ध्यान देना है। तो आपको अभी क्या करना है, ये तीनों पॉइंट को इसमें पुट करना है, तो ये 0, 0, 0 जाएगा, बचेगा 6, राइट, मॉड डिवाइडेड बाय √ एक्स का कॉफिशेंट 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 6/√26। सो ऑप्शन विल बी बी। किसी भी पॉइंट का अगर बोलता बेटा, जो भी पॉइंट होगा उसको आपको एक्स वाई जेड की जगह पुट कर देना है और ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, उसका मॉड ले लेना नीचे में एक्स वाई जेड के कॉफिशेंट का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे करना। पैरेलल प्लेन होता तो जो कांस्टेंट टर्म होता उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय √ अगेन एक्स वाई जेड, दोनों प्लेन के कॉफिशेंट को सेम कर लेना पहले, ये ध्यान रखते हुए उसका स्क्वायर कर देना। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। अगेन बेटा, मैं बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सोचने का तरीका बता दिया एग्ज़ाम में कैसे प्रॉब्लम को थिंक करना है। आई होप अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको प्रॉब्लम बहुत ईजी बनेंगे।
थैंक यू।